नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आपका स्वागत है डीएनयू टाइम्स में। चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। आगामी समय में 24 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के पूर्व प्रदेश में सियासत गरमा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत 15 जून को 22 लोकतंत्र के गद्दारों को प्रत्येक विधानसभा की तरफ से लोकतंत्र की हत्या करने के विरोध में चूड़िया पहुंचाकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। राकेश सिंह यादव ने बताया कि कांग्रेस से धोखा करके कमला सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चूड़िया पहुंचाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि आजादी का अलग जगाने वाले झांसी की रानी से भी सन 1857 में मध्य प्रदेश में सिंधिया के पूर्वजों ने गद्दारी करके झांसी की रानी का बलिदान करा दिया था। आज फिर मध्य प्रदेश में इतिहास दोहराया गया है। आज सिंधिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए विरोध स्वरूप ये चूड़ियां पहुंचाई जा रही है। राकेश सिंह यादव ने अपने कार्यालय पर कांग्रेस के बागी हुए भावेश विधायक रहे नेताओं पर निशाना साधते हुए उनके नाम से पोस्टर बनाकर उनके लिए चूड़ियां सहेज कर रखी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। देखिए, ये लोकतंत्र बचाओ अभियान मध्य प्रदेश के वोटों के साथ जिन लोगों ने सौदा किया था उनके खिलाफ ये शुरू किया गया है। ये 22 जो विधायक हैं जो कांग्रेस से धोखा करके गए और इसके साथ वहाँ के मतदाताओं के साथ धोखा करा, मतों की अवहेलना करी। इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल तक कांग्रेस में रहे, 20 साल तक पदों का उपभोग करा और इनके पिताजी के कारण इनको वो पद सीधे मिले। उसके बाद 20 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा गले में डाल के और ये 22 लोग भाजपा से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जो जनता के साथ प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है, जनता के मतों के साथ भी खतरा है और जनता के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी है। इसके खिलाफ़ एक लोकतंत्र अभियान शुरू किया गया, लोकतंत्र बचाओ अभियान। इसके लिए सभी 22 विधानसभाओं में वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी यूथ वर्ग को जोड़ा गया है, अनेक सामाजिक संस्थाएं, लगभग 25 से 30 सामाजिक संस्थाएं और लगभग 40 से 50 खेल संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का एक ही मकसद है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मतों को खरीदा और बेचा गया, लोगों के विश्वास को छला गया, उसकी खिलाफत हर आम आदमी, हर सामाजिक संस्था का व्यक्ति, हर युवा इसलिए कर रहा है कि मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू नहीं हो जाए। अगर ये 22 लोग चुनाव जीत के फिर से विधानसभा में पहुँचते हैं तो कल फिर ये वोटों का सौदा करेंगे, जनता का सौदा करेंगे, लोकतंत्र का सौदा करेंगे। इसलिए एक ही मकसद है इस लोकतंत्र बचाओ अभियान का कि इन 22 लोगों को किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं पहुंचने देना है। इसको लेके हर विधानसभा में ये अभियान चलाया जाएगा, उपचुनाव होंगे जब तक चलाया जाएगा, युवाओं को सबको इसमें जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ सारे विधानसभाओं से हमने जब बात की, वहाँ के अध्यक्ष बनाए, तो इतना ज़्यादा रोष ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन 22 लोगों के खिलाफ है कि उस रोष को व्यक्त करने के लिए हमने एक माध्यम निकाला। आज के दिन हम इन 22 विधानसभाओं से प्रतीकात्मक चूड़ियाँ बुलवाई हैं, जो इनके निवास पे सभी 22 जो विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयविलास महल पे ये चूड़ियाँ विरोध स्वरूप भेजी जा रही हैं। और जिस विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहाँ की महिलाएं, बच्चे, युवा सब इनको चूड़ियाँ भेंट करके ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की अवहेलना की, किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को छलनी छलनी करा, पैसों की खातिर अपने वोट आन के जनता के वोटों को बेच दिया और आज उन पैसों से फिर वोट खरीदने आ रहे हैं उसी विधानसभा में। तो एक सूत्र, एक प्रोग्राम है कि 22 लोग किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं जा पाएंगे, जो कि जनता का मंदिर है। आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीएनयू न्यूज़ टाइम के साथ।